दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SRS मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप अपना WhatsApp हैक करने से कैसे बचाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले WhatsApp में। एक ट्रिक के बारे में बताता हूं मैं। WhatsApp में जाने के बाद आपको WhatsApp सेटिंग में जाना है, यानी कि यहां पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में सबसे नीचे है, सेटिंग में क्लिक करें। सेटिंग में क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा अकाउंट, जो कि सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे अकाउंट में क्लिक करने के बाद थर्ड नंबर पे आएगा आपका टू सेटअप वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। सबसे नीचे लिखा रहेगा आपको एनेबल, यानी सिक्योरिटी आप एनेबल करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और इनेबल करें। इनेबल करने के लिए आपको पहले पासवर्ड मांगेगा, जो कि 6 डिजिट का होना चाहिए, यानी कि 6 अंक का होना चाहिए। कोई भी अंक आप डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ 22558। फिर वही कंफर्म करें पासवर्ड को 22558। और फिर ईमेल आईडी मांगेगा। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी याद है तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आप बाद में भी आप ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। तो हम सेटअप पर क्लिक करेंगे। सेटअप क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे ओके करें। ओके करने के बाद ये एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पे डन करें। डन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो कि ये कहेगा कि आपका पिन कोड अब चालू हो गया है, वेरिफिकेशन चालू हो गया है। अब आप WhatsApp कभी भी किसी भी मोबाइल में ऑन करेंगे तो यही पासवर्ड, यानी कि 22558 मांगेगा, यानी कि आपने जो अपने मर्ज़ी से पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड आपका मांगता रहेगा ये। और ये पासवर्ड आपको लगता है कि कोई जान चुका है तो यहाँ पर आप तीसरे नंबर पर क्लिक करें। चेंज एम पिन कर सकते हैं। ईमेल आईडी ऐड करना है तो ईमेल आईडी कर सकते हैं। आपने ईमेल आईडी जैसे कि पहले ऐड नहीं कर रखा था तो यहाँ से आप ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। कोई भी ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। तो आप जब भी पासवर्ड किसी और फ़ोन में अपना WhatsApp चालू करेंगे तो आपको वो ईमेल आईडी मांग सकता है, या चेंज करने के लिए वो ईमेल आईडी आपको फिर से पूछ सकता है। तो इस तरह से चालू करने से कभी भी आपका WhatsApp किसी और फ़ोन में कोई चालू नहीं कर सकता है। और इसको डिसेबल करना है तो फिर से अकाउंट में जाएं। अकाउंट में जाने के बाद फिर से टू सेटअप वेरिफिकेशन पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और डिसेबल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर पे इसको डिसेबल करें। और यहाँ से डिसेबल का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, यहाँ से आप क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं।